अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर टू देखी, जहां पे हमने देखा कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। यहां पे हमने जो एंगल देखा था एक्सटीरियर एंगल, वो हमने बीसी लाइन को एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल बना था उसे हमने देखा था कि वो क्या बनने वाला है, एक्सटीरियर एंगल, हमने इसे मान लिया था एक्सटीरियर एंगल। तो एक बात ये भी आ सकती है कि यहां सी से हम लोग क्या कर दें, एसी को पास करवा दें, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसे ऐसे भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या यहां भी कोई एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा इस एंगल के अलावा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला एंगल तो नहीं होगा, अगर हम पूरा एंगल यहां से यहां तक देखें तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो प्योर 180 डिग्री दिख रहा है हमें, है ना, लीनियर पेयर बनेगा फिर तो, ये 180 डिग्री समेशन आएगा दोनों एंगल का। तो लेकिन हम ये जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ए और बी का समेशन होगा। क्या 180 डिग्री हो सकता है? क्या ए और बी का समेशन नहीं हो सकता? क्योंकि 180 डिग्री तो किसका समेशन है, ए बी और सी को मिला देंगे तब आएगा 180 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का 180 डिग्री कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला एक्सटीरियर तो नहीं है। अब कौन सा बचा, अब ये वाला ले सकते हैं हम लोग ये वाला ले सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी, ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा। जो हमने प्रॉपर्टी लगा के यहां से डिराइव किया था वही चीज यहां से कर सकते हैं, ये भी 180 डिग्री माइनस सी है, ये भी 180 डिग्री माइनस सी है। या फिर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या पढ़ा था हमने कि अगर दो लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए हो जाएगा, और ये एंगल अगर बी है तो ये एंगल भी अगर बी हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज तो यहां हो रही है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, अगर ये वाला एंगल ए प्लस बी है तो अपोजिट में एंगल भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले ले, ये वाला ले ले या ये वाला, बात बराबर है, ठीक है। अगर यहां देखना चाहे तो यहां भी देख सकते हैं हम लोग, ये वाला कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा जिसे हम कहेंगे बी प्लस सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा बी प्लस सी। यहां देखना चाहे तो यहां भी वही चीज होगी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है तो ए प्लस सी, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए प्लस सी, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे भी बोल देंगे ए प्लस सी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये वाला एंगल क्या हो सकता है भाई, ये वाला एंगल क्या है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सिंपल सी बात है ना, क्लियरली दिख रहा है ना यहां से भाई, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी इसके अपोजिट में ये बी आ जाएगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, यही तो प्रॉपर्टी हमने की थी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यहां से भी वही चीज, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बन रहा है, ये अपोजिट एंगल, ये बी हो जाएगा, बी प्लस ए प्लस सी 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, क्लियर। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360। अभी हमने इंटीरियर एंगल के लिए देखा था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद हमने देखा था कि सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, और यहां बोला गया सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे करेंगे, देखो प्रूफ करना है अगर हमें, तो हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इस टाइप से हमें क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, हमने इसे बोल दिया एक्स, इसे बोल दिया वाई, और इसे बोल दिया जेड, क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्या बोल दिया हमने, जेड। यहां भी ले सकते हैं ऐसे करके, इसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हमें प्रूफ करना है तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, यहां से एक्स किसके बराबर है देखा जाए तो एक्स बराबर है, एक्सटीरियर एंगल है मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल एक्स, एंगल वाई किसके बराबर है, एंगल वाई, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल जेड किसके बराबर है यहां पे, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी। अगर यहां देखें तो एक्स वाई जेड क्या है, तीनों एक्सटीरियर एंगल है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, क्लियर। अब यहां टू टाइम्स सारी चीजें क्या है, टू टाइम्स एंगल ए, टू टाइम्स एंगल बी, टू टाइम्स एंगल सी।
तो टू टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री, जानते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो क्या निकल के आई यहां से चीज, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्लियर हो गई। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। बात करते हैं पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या हम ट्रायंगल में किसी भी साइड को कुछ भी मान सकते हैं क्या, किसी भी लेंथ की मान सकते हैं क्या, नहीं, वो डिपेंड करेगा उनकी अदर दो साइड्स पे। अगर हम इस साइड की बात करें तो ये जो साइड होगी इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये हम पता लगा सकते हैं अगर हमें इन दोनों के बारे में नॉलेज है तो, ठीक है। कैसे, मान लो ये कितना है एक्स है, ये कितना है वाई है, और ये कितना है जेड है। हम लोग क्या करते जाएं, अगर इस पॉइंट को यहां लेते जाएं, ठीक है, और किसी तरीके से बना सकते हैं कैसे, इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, ठीक है। ये कितना है z, y और x, x और y तो सही में देखो z क्या हो गया, बढ़ते गया, मतलब कांस्टेंट क्या है यहां पे, z और y कांस्टेंट है ना, z और y कांस्टेंट है, ये तो जितनी लेंथ है उतनी है, इन्हें हम यहां से हिंज कर दिए या पिन लगा दिए, तो इसे ऊपर नीचे कर दिया मान लो हमने, ठीक है। तो मान लो हम इसे ऊपर ले गए तो ये क्या होगी, बढ़ते जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी हमें, है ना, क्योंकि ये दिख रही क्लियरली यहां पे लेंथ ज्यादा है ना। तो x की वैल्यू डिपेंड कर रही है y और z पे, है ना। अगर और हम इसे क्या करते जाए, एक्सटेंड करते जाए, तो ये मान लो x है हम लोगों के पास, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो ये कितनी हो जाएगी z हो गई, और ये कितनी हो गई y हो गई, इसे पूरा हम x के ऊपर लेके आ गए, तो ये पॉइंट मान लो यहां पे आ गया, है ना, कहीं यहां पे आ गया, तो इसे यहां पे ले आए, ये दूर हो जाएगा, ठीक है, तो यहां हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, मतलब x की वैल्यू यहां पे क्या शो हो रही है हमें, x की वैल्यू देखा जाए तो यहां पे हमें शो हो रही है x की वैल्यू y प्लस z शो हो रही, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि ये तीनों लाइन क्यों होगी, तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तीनों पॉइंट क्या हो गए, ये तीनों पॉइंट अलग अलग थे, ये पॉइंट ये वाला, ये पॉइंट ये वाला, ये पॉइंट था ये यहां आ चुका है ना, वाई और जेड जहां स्टार्ट हो रहे हैं वो पॉइंट यहां आ चुका है ना, समझ में आ रही बात। तो यहां पे हम देखें तो x बराबर z प्लस y या y प्लस z है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर, बात समझ में आ गई भाई, ये a, ये b और c, ये a है, ये b है और ये c है, ये a, ये b और c, क्यों पॉसिबल नहीं है, a, b एंड c आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे, और हमने कंडीशन पढ़ी है कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, दो पॉइंट तो अपने आप में कोलिनियर होते ही हैं, ठीक है, और तीन पॉइंट यहां पे कोलिनियर क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे, बात समझ में आ गई, यहां पे तीनों पॉइंट लेकिन कोलिनियर, इसलिए बोलेंगे ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसका मतलब कब तक ट्रायंगल बन सकता है, ट्रायंगल तब तक बन सकता है हम लोगों के पास, मान लो ये यहां से बिल्कुल यहां पे है, मान लो ये है जेड, ये है वाई और ये पूरा क्या है x, ये a b c, अगर थोड़ा सा भी एंगल बचा हुआ है, थोड़ा सा भी एंगल यहां पे भी बन रहा है, यहां पे यहां तो एंगल जीरो हो जाएगा ना, जीरो होगा तभी तो वो एक दूसरे को अप्लाई कर जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां पे हम लोगों के पास x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए y और z के समेशन से, ठीक है। इसका मतलब अभी हम x को लेके मान सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, डिराइव कर रहे हैं, ये y और z के लिए भी सिमिलर से सॉल्व करना है, इसलिए हम एक ही के लिए सॉल्व करेंगे, यहां पे y हो जाएगा तो यहां x प्लस z, यहां z हो जाएगा तो यहां x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन निकल के आ गई, इससे तो छोटा होना ही चाहिए, लेकिन किससे बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, अगर हम ऐसा ले लें इसको, मान लो यहां से छोटा करते चले जाएं, मान लो ये क्या है हम लोगों के पास, ये y है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसे ये सी पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एक्स है
ये y है और ये z है, मिनिमम वाली कंडीशन निकाल रहे, मिनिमम वाली कितनी हो सकती है। तो हम लोग क्या करें, इसे छोटा करते जाएं, इसे छोटा करते जाएं, या फिर यहां से छोटा करते जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। की बात है, हमने क्या किया, यहां से छोटा कर दिया इसे, है ना, यहां से दबाते गए हम लोग इसे, तो ये ऐसा हो जाएगा कहीं, ये कितना है x, ये है z और ये है y, ऐसा कुछ हो जाएगा इसे दबाते गए ऐसे। तो बात समझ में आ गई, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा, क्लियर, ऐसा कुछ हो जाएगा इसे दबाते गए तो, ठीक। और करते गए हम लोग तो ये ऐसा बन जाएगा, ये है x, ये है y और ये है z। इसका मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो z है, जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई दोनों एंगल के समेशन से क्या होना चाहिए, z छोटा होना चाहिए। मतलब देखा जाए तो x क्या होना चाहिए, z माइनस वाई से बड़ा होना चाहिए। अगर हम ट्रायंगल को यहां से छोटा किया, अगर इधर से छोटा करते तो एक चीज और निकल के आती, x प्लस वाई बड़ा होना चाहिए z से, तो x बड़ा होना चाहिए z माइनस वाई से। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, ये z है और ये y, दूसरी कंडीशन के लिए, ठीक। तो ये y माइनस z हो जाएगा यहां पे, ठीक है। अब डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि हमें ये चीज तो पता है, भले ही ये नीचे की साइड हो, रेफरेंस पॉइंट के नीचे की साइड हमने पॉजिटिव और ऊपर की साइड मान लो नेगेटिव लिया, अगर ऊपर भी आ रही है तो हमें क्या लेना, मॉडुलस, हमें सिर्फ लेंथ देखनी है, ठीक है, डिस्टेंस देखनी है, लेंथ देखनी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को मिला के क्या बोल सकते हैं, और ये वाली कंडीशन भी है, तो हम लोगों ने कुल मिला के ऐसी बात बोल दी कि हम लोग ये जो x की वैल्यू है ना, ये y माइनस z या z माइनस y, तो इसलिए हम लोग क्या कर दिया, हमने y माइनस z का मॉड लिख दिया, मॉडुलस, मतलब जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसी को लेना है, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब यहां पे ये किससे छोटा होना चाहिए, y प्लस z से। कहने का मतलब एक कंक्लूजन क्या निकला यहां से, यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जो तीन साइड मिलकर ट्रायंगल बना रही है उसमें से अगर हम किसी भी एक साइड को उठा ले तो वो किसके बीच में लाई करेगी, उसकी डिस्टेंस किसके बीच में लाई करेगी, उन दो जो बचे हुए साइड से उनके समेशन से छोटी होगी, बराबर भी नहीं होगी। अगर बराबर हो जाएगी तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है, बराबर भी नहीं होगी, बराबर हो जाएगी तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर, जो कि क्या है हम लोगों की कंडीशन नहीं है ट्रायंगल होने की, है ना, और इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, पॉजिटिव डिफरेंस के बराबर, इसलिए y माइनस z या z माइनस z कोई भी ले लो, पॉजिटिव आंसर लेना है हमें, वो उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है हमारी ट्रायंगल होने के लिए साइड्स की, कि y माइनस z छोटा होना चाहिए किससे, x से, और x छोटा होना चाहिए y प्लस z से, क्लियर है इतनी बात। अगर एग्जांपल देखें हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, अगर एग्जांपल लें हम लोग तो एग्जांपल देखना चाहे तो हम लोग इसे बोल सकते हैं, मान लो ये कितनी हो जाएगी, मान लो ये 7 हो गई, ये 3 हो गई और ये 5 हो गई, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, क्या क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या, देख लेते हैं, ठीक है। 7 लिया हमने, क्या 7 इन दोनों के सम से छोटा है, क्या दोनों के सम से छोटा है, हाँ। 5 लिया, क्या इन दोनों के सम से छोटा है, हाँ। 3 लिया, क्या इन दोनों के सम से छोटा है, क्या, हाँ, ठीक है। हमने 3 लिया, क्या इन दोनों के डिफरेंस से बराबर है, बड़ा है, हाँ बड़ा है। फिर हमने 7 लिया, क्या इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा है, क्या, हाँ बड़ा है। फिर हमने ये दोनों लिया 4, क्या इसके डिफरेंस से बड़ा है, क्या इन दोनों का डिफरेंस 4 है ना, और ये उससे बड़ा है, हाँ, तो ये पॉसिबल है, 5 3 7 पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन का टाइप तो ये बनता है कि ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, ये ऑप्शन दे दिया, कितना मान लो 3 5 7, बी 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 ऐसे दे दिया जाता है, और 11 12 और 18 दे दिया। मान लो हमसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा फॉर्म कर सकता है ट्रायंगल, पॉसिबल है ट्रायंगल बनना, ठीक है। तो क्या पहला वाला बन सकता है कि इन दोनों का समेशन इससे बड़ा है, हाँ, इन दोनों का समेशन इससे बड़ा है, हाँ, इन दोनों का समेशन इससे बड़ा है, हाँ, ठीक है। अब बात करें इन दोनों का डिफरेंस इससे कम है, क्या है ना भाई, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से कम होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस इससे कम है, हाँ। फिर इन दोनों का डिफरेंस इससे कम है, क्या, हाँ। फिर इन दोनों का डिफरेंस इससे कम है, हाँ, ये तो पॉसिबल है, 3 5 7 हमने देख लिया था हमने। फिर यहाँ देखें, इन दोनों का समेशन इससे ज्यादा, इन दोनों का समेशन इससे ज्यादा, इन दोनों का समेशन इससे ज्यादा, ठीक है। अब जो डिफरेंस है 5 माइनस 1,
बड़ा है क्या? देखो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना? 1, कितना आ जाएगा? 1। अब 1 जो है हम लोगों के पास कितना है डिफरेंस? 1। 1 से बड़ा है क्या ये वाला नंबर? हाँ। इन दोनों का डिफरेंस भी 1। क्या उससे बड़ा है क्या? हाँ। इन दोनों का डिफरेंस क्या? 2। क्या ये वाला नंबर 5 उससे बड़ा है? हाँ बिल्कुल है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब y प्लस जेड पे देख ले हम लोग, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 4, 5 और 6 क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? 1, क्या ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस देखो, 4b 5, इन तीनों के बीच का डिफरेंस कितना है? एक हो गया 4, एक हो गया 5 और एक हो गया 6। क्या हम देख सकते हैं क्या ये चीज पॉसिबल है? यहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है, है ना? डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 के बाद 5 डिफरेंस 1, 5 के बाद 6 डिफरेंस 1। क्या ये पॉसिबल है? यहां पे अगर हम 4, 5, 6 की बात करें तो बिल्कुल हाँ ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों नंबर, ठीक है। 4, 5 और 6 तीनों साइड क्या कर रही? सेटिस्फाई कर रही। वहीं अगर हम 1, 2 और 3 की बात करें, क्योंकि यहां भी 1 का डिफरेंस, 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 लेकिन क्या सेटिस्फाई करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों भाई? 3 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2 आएगा। ये छोटा होना चाहिए था थर्ड साइड, जो कि क्या है? 2। 2 से 2 छोटा है कि नहीं? बराबर। इसलिए मतलब ये क्या होगा? सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ये करेगा। अब जरूरी नहीं डिफरेंस 1 यहां सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो यहां क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये भी सेटिस्फाई करेगा लेकिन ये नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है? सिर्फ ये कंडीशन देखनी है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे वो ट्रायंगल की पॉसिबल लेंथ हो सकती है,